मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। कसौटी जिंदगी 2 के सेट पर पहुंची नई कमौलिका ने पहले दिन ही दिखाया टशन। आमना शरीफ पूरे 6 साल बाद एक्टिंग की दुनिया में कमबैक कर रही हैं। आमना कसौटी जिंदगी के 2 के सेट पर पहुंची हैं। आमना शरीफ का टशन मेकअप रूम में दिखा। मेकअप आर्टिस्ट आमना को कोमोलिका का लुक दे चुके हैं और वाकई में ये लुक उन पर खूब जच रहा है। कोमोलिका को फंकी ज्वेलरी पहनना काफी पसंद है। ऐसे में मेकर्स ने इस बात का खास ख्याल रखा कि नई कोमोलिका की खूबसूरती निखारने में कोई कसर ना रह जाए। आमना का कहना है कि वो कोमोलिका के रोल को अदा करने के लिए काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग है। बालों के साथ खेलती नजर आई हीना खान, फोटोशूट में दिखा ग्लैमरस अवतार। हिना खान आए दिन अपनी तस्वीरों की वजह से इंटरनेट की दुनिया पर छाई रहती हैं। यही वजह है कि हिना खान आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हिना खान ने अपने एक फोटोशूट की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों को हिना के फैंस हर बार की तरह खूब पसंद कर रहे हैं। तस्वीर में हिना खान डार्क रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं। हिना खान ने इस ड्रेस के साथ ब्लैक हाई हील्स कैरी की हैं। इस तस्वीर में हिना खान ने चेहरा अपने बालों से ढक रखा है। अपनी ज्यादातर तस्वीरों में हिना खान अपने बालों से खेलती नजर आ रही हैं। ऐसे में फैंस बोल रहे हैं कि हिना खान को अपने बालों से बहुत प्यार है। अब हिना खान को अपने बालों से लगाव तो होगा ही। तस्वीर में हिना खान के बाल किसी नागिन की तरह लहरा रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि हिना खान स्टाइलिश बालों की मालकिन है। छोटे पर्दे पर वापसी करेगी गंगूबाई। गंगूबाई के नाम से मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट सलोनी दैनी एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। सलोनी मैजिकल शो ये जादू है जिन्न कामें नजर आएंगी। इस शो का प्रसारण 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। शो का पहला प्रोमो वीडियो रिलीज किया जा चुका है और जनता जनार्दन इस शो को लेकर काफी उत्साहित है। शो का VFX कमाल का है और इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। शो के प्रोमो वीडियो में जो आवाज बैकग्राउंड से सुनाई दे रही है वो गंगूबाई उर्फ सलोनी दैनी की है। गंगू इस शो में नजर आने वाली है। खबरों की माने तो ये पहली दफा है जब किसी चाइल्ड आर्टिस्ट ने किसी शो के पहले प्रोमो वीडियो के लिए वॉइस ओवर दिया है। शो से जुड़े अनुभव शेयर करते हुए सलोनी ने कहा, जब मुझे ये रोल ऑफर किया गया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने इसे स्वीकार करने से पहले सोचा भी नहीं। सलोनी ने कहा कि मैं परी कथाएं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ और ये शो करना दोबारा बचपन के सपनों के हकीकत होने जैसा था। फिल्म यारम के स्टार कास्ट ने किया दिल्ली में फिल्म का प्रमोशन। फिल्म यारम के निर्माता विजय मूलचंदानी एवं निर्देशक अवैस खान अपनी बहुत जल्द रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रचार के सिलसिले में पूरी स्टार कास्ट के साथ राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। यहां के 5-स्टार होटल नी मैरिडियन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव एवं फिल्म के बारे में विस्तार से बात की। फिल्म में इशिता राज शर्मा, प्रतीक बब्बर, सिद्धांत कपूर और सुभा राजपूत प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी। इस एक्ट्रेस के साथ शादी करने जा रहे हैं क्रिकेटर मनीष पांडे। भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे बहुत जल्द डेटिंग के बाद अब एक्ट्रेस अश्रिता शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके साथ ही मनीष पांडे भी उन स्टार क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो हसीनाओं के आगे अपना दिल हार बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। मनीष और अश्रिता शेट्टी इसी साल 2 दिसंबर को मुंबई में शादी कर सकते हैं। अश्रिता शेट्टी टेलीविजन के साथ साथ साउथ फिल्मों की जाने मानी और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। दोनों की शादी का कार्यक्रम मुंबई में ही 2 दिनों तक चलेगा। बता दें कि इस वक्त मनीष पांडे विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट में कर्नाटक टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। बाथरूम लॉक किए बिना नहा रहे थे सिद्धार्थ, गलती से घुसी कोयना मित्रा। बिग बॉस में घर वालों के कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो दर्शकों के बीच खूब ट्रेंड होते हैं। एक अनसीन वीडियो में सिद्धार्थ डे को उस मोमेंट का सामना करना पड़ा। दरअसल सिद्धार्थ डे बाथरूम में नहा रहे थे लेकिन वो दरवाजा बंद करना भूल गए। इसी दौरान कोयना मित्रा गलती से उस बाथरूम में घुस जाती है। जैसे ही कोयना मित्रा अंदर जाती है वो जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। वॉशरूम एरिया में पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा भी मौजूद थे। ये सारा नजारा देख दोनों की हंसी नहीं रुकती। बाहर आकर कोयना पारस से कहती है, ये बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों था? तभी पारस हंसते हुए कहते हैं, बेशर्म है ये बंदा। पारस को देख सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, असीम रियाज, सॉन्ग कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा गाने लगते हैं। मगर सिद्धार्थ कुछ कहते नहीं हैं, वो बस शर्माते नजर आते हैं। ये देख सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं पाते और सीधे अंदर रूम में चले जाते हैं। अंदर जाकर सिद्धार्थ डे कोयना से पूछते हैं कि आपने ये बात किसी को बताई? कोयना कहती है उन्होंने इस वाक्य के बारे में पारस को बताया था। शमिता शेट्टी ने लोटस मेकअप इंडिया फैशन वीक के लिए किया रैंप वॉक।
दिल्ली में FDCI लोटस मेकअप इंडिया फैशन वीक ने अपने कलेक्शन को शोकेस किया। इस मौके पर शमिता शेट्टी उनकी शो स्टॉपर बनी। उनकी पोशाकें स्प्रिंग समर सीजन के लिए एकदम सही थीं। शो में प्रिया माचिनेनी द्वारा उत्कृष्ट रचनाओं के प्रदर्शन के साथ एक अनूठी फैशन प्रस्तुति देखी गई। ये संग्रह युवा दुल्हनों को राजकुमारियों की तरह महसूस करने के लिए बनाया गया है। हैदराबाद से प्रिया का लक्ष्य है कि वो अपने लेबल के साथ दुल्हनों और दूल्हों के लिए एक परिष्कृत रेखा तैयार करें। मौनी रॉय ने थाईलैंड वेकेशन पर बॉयफ्रेंड संग मनाया बर्थडे। मौनी रॉय की जिंदगी में नया प्यार आ गया है। खबरों के मुताबिक मौनी रॉय के बॉयफ्रेंड का नाम सूरज नाम्बियार है। सूरज दुबई में बैंकर हैं। मौनी रॉय ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ थाईलैंड में बर्थडे मनाया है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि दोनों कहां और कैसे मिले थे। मौनी और सूरज की डेटिंग की चर्चा तब शुरू हुई थी जब उनकी दोस्त रूपाली कार्डियान ने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें पोस्ट की थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे तुरंत डिलीट भी कर दिया था। मौनी और उनके बॉयफ्रेंड की जो तस्वीर उनके करीबी दोस्त ने शेयर की थी वो थाईलैंड वैकेशन की थी। यहाँ रूपाली और उनके पति अभिमन्यु सिंह भी मौनी रॉय के साथ थे। मौनी का बर्थडे मनाने के लिए सूरज भी पहुंचे थे। हालांकि मौनी रॉय ने डेटिंग की खबरों को महज अफवाह बताया है। उन्होंने कहा था कि नाम्बियार सिर्फ एक दोस्त हैं। उन्होंने कहा यह पूरी सच्चाई नहीं है। हम सब दोस्त हैं और हम बर्थडे मनाने एक साथ थाईलैंड गए थे। मैं सिंगल हूं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही हूं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी का।